हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वत्सला सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, क्या था, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसका पार्ट टू। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, हुंडी क्या होता है और मैरिटाइम ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या होता है। ठीक है, मर्चेंट मतलब जो हमारे ट्रेडर्स हो गए हैं, व्यापारी हो गए, उसे हम क्या कहते हैं, मर्चेंट। और उनके लिए कॉरपोरेशन बनी थी, जैसे कि आपने सुना होगा शेयर है, शेयर होल्डर के लिए कौन सी कॉरपोरेशन है, सेबी। सेबी का नाम सुना होगा, तो ये किस लिए बनी है, ये बनी है कि शेयर होल्डर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाएंगे, वो सेबी के पास जाएंगे। तो ये किस लिए, देखते हैं मर्चेंट कॉरपोरेशन का काम क्या है, ये क्यों बनी है, तो ये क्या काम करती हैं। ठीक है, तो ये किस लिए फॉर्म हुआ था, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ कहाँ जाएंगे, वो मर्चेंट कॉरपोरेशन के पास जाएंगे। अगर उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो वो मर्चेंट कॉरपोरेशन के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई स्टेप ले सकते हैं। तो ये किस लिए फॉर्म हुई थी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, इनका खुद का रूल्स होता था, रूल्स ऑफ मेंबरशिप, इनके मेंबरशिप के अपने रूल्स होते थे। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जैसे कि नियम कानून हम कहते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट था, वैसे ही इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे जो कि राजा को भी फॉलो करने पड़ते थे, एक्सेप्ट करने पड़ते थे। ठीक है, तो जो मर्चेंट कॉरपोरेशन ने रूल्स और रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया था वो वहाँ के राजा तक को मानना पड़ता था। ठीक, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल टैक्सेस वर मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू, वहाँ पे रिवेन्यू के क्या सोर्स थे, जो ट्रेड होता था और इंडस्ट्रियल टैक्सेस होते थे उससे जो होती थी वहाँ की रिवेन्यू उस टाइम जनरेट होती थी। ठीक है, वो मेजर सोर्स था रिवेन्यू का। द चीफ डायरेक्टली डील्स विथ किंग, ठीक है, ये अलग होगा, डील्स विथ किंग, टैक्स टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल मार्केट टोल ऑन द बिहाफ ऑफ मर्चेंट एट अ फिक्स सम ऑफ मनी, एक फिक्स सम ऑफ मनी को क्या होता था, एज अ टोल, जो मार्केट टोल्स होते हैं, टोल्स क्या होता है, जैसे कि आप कहीं कार से जाते हैं तो जगह जगह पे टोल नाका बना रहता है जहाँ पे आपको एक चार्ज देना होता है, तो वैसे ही टोल कलेक्ट करने का काम और ये जो टैक्स कलेक्ट करने का काम होता था वो सब किया जाता था। और जो चीफ होता था वो डायरेक्ट डील करता था किंग से, टैक्स कलेक्टर से, सेटल मार्केट टोल, और मार्केट टोल्स जो कलेक्ट होते थे उसको सेटल डाउन करना, ये सब काम कौन करता था, जो वहाँ का चीफ था, जो मर्चेंट कॉरपोरेशन का चीफ था, ये डायरेक्ट डील करता था किंग से, टैक्स कलेक्टर से, और मार्केट टोल जो जो चार्ज करते थे उनसे चीफ जो है वो डायरेक्ट डील किया करते थे। ठीक है, तो मर्चेंट कॉरपोरेशन किस लिए बनी थी, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करते थे, और जो कि राजा के, जो वहाँ के राजा थे उनको भी फॉलो करना होता था, और ये ट्रेड और इंडस्ट्रियल टैक्सेस के थ्रू क्या करते थे, अपने रिवेन्यू जनरेट करते थे, और जो उनका चीफ था वो डील करता था किससे, किंग से, टैक्स कलेक्टर और मार्केट टोल्स को भी वही सेटल डाउन करता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, मेजर ट्रेड सेंटर्स, ट्रेड सेंटर्स आप सुने होंगे ट्रेड सेंटर्स, तो क्या पहले ज़माने में कौन कौन से जो सिटीज़ हैं वो मेजर ट्रेड सेंटर्स हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किस लिए, स्टोन्स के लिए, स्टोन्स के लिए पाटलिपुत्र थी। पेशावर किसके लिए था, वूलन कपड़े के लिए या हॉर्स के लिए, ये एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, एक्सपोर्ट करना क्या हुआ, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि एक्सपोर्ट करना मतलब जब अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में हम अगर सेलिंग का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो वूल और हॉर्सेस को, वूल को सेल करता था और इंपोर्ट करता था क्या, हॉर्सेस को, कहाँ पे,
ये सब काम कहाँ होता था? किस ट्रेड सेंटर में? पेशावर में होता था, ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला आपने सुना होगा, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी एजुकेशन वहीं से पूरी की थी। तो ये क्या था? सेंटर ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या था? तक्षशिला था। इंद्रप्रस्थ किस लिए था? कॉमर्शियल रूट था। और रॉयल रोड, ये एक कॉमर्शियल रूट और रॉयल रोड था। क्या? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मथुरा, मथुरा क्या था? एक ट्रेड सेंटर था आप कह सकते हैं। पीपल हेयर सब्स्टिट्यूटेड ऑन कॉमर्स, यहाँ पे कॉमर्स कॉमर्स की शुरुआत हम कह सकते हैं उस टाइम कहाँ हुई थी? मथुरा में। वाराणसी किस लिए था? वाराणसी तो आपने सुनी होगी, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियों के लिए ही वाराणसी फेमस है अभी भी। तो पहले भी किस लिए था वो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। बनारस में क्या था? टेक्सटाइल का बहुत काम होता था, कपड़ों का काम होता था। तो वाराणसी किस टेक्सटाइल के लिए एक ट्रेड सेंटर था, ठीक है। मिथिला किस लिए था? मिथिला पे ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन द इंग्लैंड ऑफ जावा, सुमित्रा, ये बोर्नियो। तो ये क्या था? एक पोर्ट का काम था। पोर्ट कहाँ था? मिथिला में था। उज्जैन किस लिए था? अगाते, मुस्लिन, कल्याणिया, क्लॉथ ट्रेडिंग। यहाँ भी उज्जैन में क्या होती थी? क्लॉथ्स की ट्रेडिंग होती थी, टेक्सटाइल का काम हुआ करता था। सूरत किस लिए था? सूरत भी टेक्सटाइल के लिए था। और यहाँ पे जरी का जो काम होता था, जो बॉर्डर में गोल्ड का वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? जरी का काम। कपड़े में आपने सुना होगा जरी का वर्क किया गया है, सोने से, सोने की तारों से काम किया जाता है उसे, क्या वो कहाँ होता था? सूरत में हुआ करता था। कांची में क्या होता था? पर्ल, ग्लासेस, रेयर स्टोन्स का काम कहाँ होता था? कांची में। मथुरा, मथुरा में पर्ल्स और फिशरीज का काम होता था, मत्स्य पालन, मछली पालन का काम कहाँ होता था? मदुरा में, ठीक है। बरोच, बरोच में क्या होता था? लिंक टू ऑल इम्पोर्टेंट मार्ट, सभी मार्ट्स को क्या करते हैं? लिंक करने का, नेटवर्किंग का काम कहाँ होता था? बरोच में, ठीक है। और फिर कावेरी पट्टा में क्या होता था? ट्रेड ऑफ परफ्यूम, ट्रेड ऑफ परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और सिल्क। कॉस्मेटिक्स क्या होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता था? कावेरी पट्टा में। वूल का काम भी होता था, कॉटन, कोरल, पर्ल, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, शिप बिल्डिंग। तो ये सब काम कहाँ होता था? कावेरी पट्टा में। तमरा अली पत्ती, इसमें क्या होता था? ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बाई बोथ सी एंड लैंड, ये एक पोर्ट था जो कि सी और लैंड दोनों से कनेक्टेड था, ठीक है। ये जो तमराली पत्ती था ये क्या था? ये सी यानी समुद्र और लैंड दोनों से कनेक्टेड पोर्ट था, ठीक है। ये कुछ ट्रेड सेंटर्स थे हमारे इंडिया में। अब हम लोगों ने पहले से पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है कि बिजी रहना आपको होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है। अब ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों ने क्या बोला था, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, हम उसे मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि अगर आपको स्कूल जाते हैं, आपके टीचर साहब आपको वहाँ पढ़ाते हैं, उसके लिए उन्होंने वो क्या करते हैं? एक फीस चार्ज करते हैं, आपको स्कूल में फीस पे करनी होती है। लेकिन वही टीचर जाके अपने घर पे अगर अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं तो क्या उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं? नहीं, लेकिन वो तो टीचिंग का काम ही कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? प्रोफेशन तो उनका वर्क तो सेम है, वो तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर वो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उनको क्या हो रहा है? एक इनकम जनरेट हो रही है, सैलरी मिल रही है। तो वो क्या काम, उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या करें, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगी? आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे आप अपने भाई बहन को पढ़ाते हैं, या तो उनके लिए कुछ काम कर देते हैं उन्हें, या अपने दोस्तों को कोई गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं, आपको कहीं से दोस्तों से गिफ्ट मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वही आप शॉप पे कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, उसके लिए आप पे कर रहे हैं, ठीक, या आप सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो उसे हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ बाइंग और सेलिंग का काम हो रहा है। तो ये क्या है, इससे हम क्या कहेंगे, यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। पर ऐसी जगह जहाँ आप लव और अफेक्शन के थ्रू किसी को कोई गिफ्ट कर दें या फिर कुछ किसी के लिए करते हैं जिसे हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं बुक सेलिंग का काम करती हूँ, ठीक, मैं क्या करती हूँ, बुक्स सेल करती हूँ। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझसे बुक परचेस करके ले जाते हैं। मैं एक बुक सेल करती हूँ 100 रुपीज़ की, ठीक है, 100 रुपीज़ की मैंने बुक सेल की, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। मेरे पास बायर आता है और उसने मुझे 100 रुपीज़ दिया और मैंने उससे क्या किया, बुक दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मनी आ रहा है और उसके पास बुक जा रही है। तो यहाँ जो हम लोगों ने कंसिड्रेशन किया वो क्या इकोनॉमिक है, बिल्कुल, क्योंकि हम उसे मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। वही मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसे कोई नोटबुक या बुक गिफ्ट कर देती हूँ या पेन गिफ्ट कर देती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ कि मैं उसे बुक गिफ्ट कर रही हूँ, पर उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। या फिर कुछ उसने अपने घर पे पानी वानी पिला दिया मुझे या फिर मुझसे अच्छे से बात की, तो क्या मैं कहूँगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं। तो ये क्या है, ऐसी एक्टिविटी जिसे हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जहाँ बाइंग सेलिंग का काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और उससे उसे आप क्या करते हैं, मनी के टर्म में मेजर करते हैं, तो उसे हम कहेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप किस लिए करते हैं, लव और अफेक्शन के लिए, एफेक्शन के लिए, तो उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ आपको क्या याद करना है, मनी टर्म में मेजर कर सके, ठीक है, मनी टर्म, और यहाँ आपको लव और अफेक्शन याद रखना है, ठीक। तो ये दो तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक। तो हम क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस करना कहेंगे, नहीं, अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कोई बिजनेस नहीं करने हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या क्या है, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना, बाइंग और सेलिंग का काम करना और प्रोडक्शन का काम करना, किस लिए, विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और सेटिस्फाइंग और कस्टमर, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बाइंग सेलिंग का काम या प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है, वो बिजनेस होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में पूछा जाता है कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, यानी कि प्रोफेशनल वो क्या मतलब काम करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशन, पेशा, ठीक है, क्या वर्क करते हैं, तो उसे हम ऑक्यूपेशन कहेंगे। बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल इंगेज। इंगेज मतलब रहना, बिजी रहना, जैसे हमने पढ़ा, तो इंगेज मतलब बिजी रहना इन एक्टिविटी और परचेस प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग के लिए अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी, परचेस की, सेल की, प्रोडक्शन की, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम बिजनेस कहेंगे, उसे हम बिजनेस कहेंगे, ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस। और ये क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। क्या आप एक दिन कोई ऐसी बाइंग या सेलिंग का काम कर देंगे तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, नहीं। जैसे कि आप अपने क्लास में हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, आपका कोई फ्रेंड है,
तो उसने अपना पेन लाना भूल गया है। ये वो कहता है आपके पास डबल ब्लू पेन है। आप स्कूल में अक्सर देखते होंगे कि आपके पास डबल ब्लू पेन है तो लोग कहते हैं कि एक दे दो, तो मेरी ख़त्म हो गई है, उसकी इंक ख़त्म हो जाती है। तो वैसे आपके फ्रेंड के पास इंक ख़त्म हो गई है और आपके पास दो ब्लू पेन है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड कहता है कि ये लो 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ और मुझे ये पेन क्या करो, सेल कर दो, ठीक है, मुझे ये पेन दे दो क्योंकि मेरी पेन ख़त्म हो गई है। तो आप क्या करते हैं, वो 10 रुपीज़ लेके वो पेन उसे क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक। तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। क्या सिर्फ एक टाइम सेल वन टाइम सेलिंग का काम करके आप बिजनेसमैन हो गए? नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप रेगुलरिटी होना चाहिए, आप रेगुलर बेसिस पे उस एक्टिविटी में इंगेज होना ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं डेली बेसिस पे मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं बुक्स सेलिंग का काम कर रही हूँ या फिर मैं कोई स्वीट्स सेल कर रही हूँ या फिर गारमेंट्स सेल कर रही हूँ, टेक्सटाइल का काम कर रही हूँ, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हाँ मैं बिजनेस कर रही हूँ। लेकिन वन टाइम अगर एक्टिविटी आप ऐसा कोई करते हैं तो आप कहें आप बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, तो वो बिजनेस नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपको किसी एक्टिविटी में क्या है, इंगेज होना है, ठीक। कैसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको रेगुलरली इंगेज होना है, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू द पेड ऑक्यूपेशन। ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि पेड ऑक्यूपेशन है, ठीक है, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। एक लंबे समय तक ट्रेनिंग लेने के बाद जो आपको क्या बोलते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस, ठीक है। यहाँ आप प्रोडक्ट्स के बाइंग और सेलिंग का काम नहीं करते हैं, यहाँ आप क्या करते हैं, सर्विस को सेल करते हैं। आपके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग ली हुई है या तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है जिसके बिहाब पे आपको नॉलेज आ गई है किसी फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड की, और आप क्या कर रहे हैं, सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, आप प्रोफेशन में हैं। प्रोफेशनल वर्क की अगर बात करें तो कौन कौन आते हैं इसमें, जैसे डॉक्टर्स हो गए हैं, लॉयर्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं, CA हो गए हैं, CS हो गए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सब क्या काम करते हैं, ये प्रोफेशनल वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे आपके प्रोफेसर्स वगैरह हो गए हैं, तो ये सब क्या करते हैं, प्रोफेशनल वर्क परफॉर्म करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या लंबे समय तक ट्रेनिंग ली होती है और एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन हासिल की होती है, लंबे समय तक उस चीज़ की पढ़ाई करने के बाद वो वर्क परफॉर्म करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के, ठीक है। जैसे लॉयर्स को क्या रहता है, जितने भी आर्टिकल्स हो गए हैं, एक्ट्स हो गए हैं, सेक्शंस हो गए हैं, उन लोगों को क्या होता है, याद होता है। क्या एक दिन में उन्होंने याद किया, नहीं, उसके लिए उन्होंने लंबे समय तक पढ़ाई की है। डॉक्टर्स को कैसे ऑपरेशन करने याद आता है, क्या हम और आप ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं, हमको उसके लिए अगर हम डॉक्टर बनना चाहें तो लंबे समय तक पढ़ाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब हम जाके डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, प्रैक्टिसेस करने होते हैं, एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तब आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ Having paid work। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको क्या हो रहा है, पेमेंट मिल रही है, कोई पर्टिकुलर वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए आपको पेमेंट मिल रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे, आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉई का काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई कंपनी में आपको डाटा एनालिस्ट बना दिया गया, आप डाटा को देखते हैं या परचेज या सेल कितना हो रहा है वो आप मेंटेन करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे कि आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसे हो जाते हैं, पुलिस
पुलिस अपना उनको एक काम असाइन किया गया है, या तो उन लोग अपना काम करते हैं उसके लिए उन लोग को क्या होती है डे पर मंथ क्या होती है सैलरी मिलती है, उन लोग अपने वर्क के लिए क्या होते हैं उन लोग को पे किया जाता है, तो वो क्या कह सकते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है ठीक है गवर्नमेंट के द्वारा ठीक। तो ये आपका है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है बट एक बार हम देखते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है ठीक है। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये कुछ बेसिस हैं जिसके आधार पे हम देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसको कैसे बनाया जा सकता है, बिजनेस कैसे बनता है, कोई इंटरप्रेन्योर अपन डिसीजन लेता है एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है जो कि नेसेसरी होती है, तो वो एक बिजनेस इस्टेब्लिश करता है। बिजनेस क्या ऐसे ही बन जाते हैं, किसी के दिमाग में आइडिया आता होगा ना, जो बिजनेसमैन है एंटरप्रेन्योर है उसके दिमाग में आइडिया आता होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, उसके लिए वो क्या करता होगा मार्केट को एनालाइज करता होगा कि हाँ मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, या तो इस चीज़ का अगर मैं बिजनेस करूँगा तो क्या होगा बिजनेस मेरा ग्रो करेगा और मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट होगी, तो ठीक है। तो वो एक डिसीजन किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, और वो बिजनेस सेट करने के लिए क्या होता है बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है, तब वो क्या होता है एक बिजनेस इस्टेब्लिश होता है ठीक है। तो बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होता है, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन और लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने पे। और प्रोफेशन में आप कैसे आ सकते हैं, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप कैसे किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करनी होगी, ट्रेनिंग लेनी होगी, उस चीज़ के लिए नॉलेज आपको गेन करना होगा, तब आप जाके क्या कर सकते हैं किसी प्रोफेशन में इंटर कर सकते हैं। तो प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस और सर्टिफिकेट्स चाहिए ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट आप कैसे कोई जॉब ले सकते हैं, कहीं के एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, आप किसी एग्रीमेंट के थ्रू किसी कंपनी से क्या कर सकते हैं किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है कि हाँ आपका अपॉइंटमेंट हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस कंपनी में, ऑफर लेटर आपको जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ पे ये वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो आप वहाँ क्या काम करेंगे एम्प्लॉय का काम करेंगे। आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट के थ्रू ठीक है। ये कैसे होगा, इसके बिजनेस के लिए आपको एंटरप्रेन्योर का डिसीजन और लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी होता है। प्रोफेशन के लिए आपको एक्सपीरियंस और क्या बोलते हैं ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, तब आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है ठीक है। ये हम देखते हैं मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में। और नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में गुड्स को, अभी तक हम लोगों ने देखा बिजनेस में हम क्या करते हैं गुड्स को बाई और सेल करते हैं, या उनको उनके उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम हम कहाँ करेंगे, हम बिजनेस में करेंगे ठीक है। और प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, हम लोगों ने पर्सनलाइज या कस्टमाइज आप कह सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स होंगे उनके नीड्स और वांट्स के हिसाब से जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो हम कहाँ उसे हम क्या कह सकते हैं प्रोफेशन। अब कैसे इसमें हम पर्सन टू पर्सन उसे उनके नीड्स के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे, जैसे कि आपका कोई सलून है आप कहीं बाल कटवाने जाते हैं तो किसी को चाहिए होता है कि हाँ भैया साइड साइड से हल्का हल्का वो कर दीजिएगा, या फिर लड़कियां जाती हैं तो कहती हैं कि हमको लेज़र कट करवाना है, या फिर बैंग बैंग स्टाइल में आप मेरा बाल काट दीजिए, या फिर ये इस स्टेप में काट दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए मैं बाल छोटे कर दीजिए, तो यू स्टाइल में और भी
तरह तरह के आते हैं, तो कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है, सर्विस डिफर करती है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपका कोई ब्यूटी पार्लर है तो वहाँ पे आप जाएंगी तो किसी को क्या होता है थ्रेडिंग करवानी होती है, किसी को हेयर स्पा करवाना होता है, तो किसी को कुछ कराना रहता है, तो वहाँ पे आपको आपके नीड्स जो रहेगी या तो आपको जो सर्विस चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम लॉयर के पास जाते हैं, आपको अगर कहीं का रजिस्ट्रेशन कराना है या तो आपने कोई लैंड परचेस किया है उसके लिए आप अलग लॉयर से मिलेंगे, अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप अलग लॉयर से मिलेंगे। तो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उनकी जो लॉयर है उसको वैसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो किसी को पेट दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को कोल्ड हो गया है तो उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या कर आपको जो प्रोफेशनल पर्सन है वो आपको कैसी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसी आपकी नीड होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, ये आपको जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो पर्सन क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, उसने एक लॉन्ग टाइम तक उस चीज के लिए प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की हुई है। ये आपका कहाँ होता है, प्रोफेशन में होता है। ठीक है, और हमारे एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। आपको यहाँ पे कौन सा वर्क परफॉर्म करना रहेगा, जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या जिस पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगर आपको परचेस डिपार्टमेंट में परचेस बुक्स को मेंटेन करने के लिए रखा गया है तो आपको परचेस बुक देखेंगे, या आपको सेल्स डिपार्टमेंट में रखा गया तो आप वो देखेंगे, या तो आपको लोअर लेवल का काम फोरमैन का काम करने के लिए अपॉइंट किया गया तो आप वो काम करेंगे, या तो आपको मैनेजर एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया तो आप मैनेजमेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है आप वही काम करेंगे, आपसे जिस चीज़ के लिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, ये आपका आता है एम्प्लॉयमेंट में। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, बिजनेस में अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे ग्रोसरी स्टोर खोलनी है, ठीक है, तो आपके लिए उसके क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप पढ़े हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, किसके बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, और प्रोफेशन के लिए, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए इन स्पेसिफिक फील्ड। आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं उस फील्ड में आपको क्या चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट की तरह वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ आप गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली पर्सन स्पेसिफिक पर्सन या फिर जो भी इंडिविजुअल है आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको अगर किसी पोस्ट में एज अ कंपनी में कोई पोस्ट पे मैनेजर के पोस्ट पे आपको जॉब लेनी है तो उसके लिए कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो क्वालिफिकेशन कंपनी पूछ रही होगी कि हाँ MBA आपको कंपलसरी है करना, तो MBA या MCOM जो भी आपको चाहिए होगी एज अ कंपनी, जो कंपनी चाह रही होगी रिक्वायरमेंट कंपनी की जो होगी वो आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट में। अब आपको बिजनेस करेंगे तो आपको रिटर्न किस लिए मिलेगा, हम कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कहीं पैसे अगर लगा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको कुछ रिटर्न मिले उसके बदले। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको उसके बदले अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं रिटर्न में, है ना,
आप अपना टाइम अगर पढ़ाई को देते हैं, आपको रिटर्न में क्या चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, आप गेम खेलते हैं तो उसके बदले आपको इंजॉयमेंट चाहिए, तो हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हम बिजनेस किस लिए करते हैं? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको क्या रिटर्न में मिलता है? हमको रिटर्न में प्रॉफिट अर्न होता है। जो बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होती है उससे हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रोफेशन से जो हमारी इनकम आती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल फीस। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से जो पैसे आते हैं, मनी आती है, उसे हम कहेंगे सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट और बिजनेस में है, आपको इनकम आ रही है तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे, और प्रोफेशन से पैसे आ रहे हैं तो प्रोफेशनल फी, और अगर एम्प्लॉयमेंट से आ रहे हैं तो सैलरी वेजेस या रेम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत होती है? आप अगर कोई बिजनेस या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको मनी इन्वेस्ट करनी होती है, तो बिजनेस में आपको कितना अमाउंट में आपको मनी या कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा? तो यहाँ देखते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस का जो भी साइज है या नेचर है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, अगर आप छोटी सी ग्रोसरी शॉप खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहीं आप कोई बड़ा बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं, कोई मॉल ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो जो बिजनेस का साइज और नेचर होगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पे निर्भर करेगा कि आप किस अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करें। ये किस पे डिपेंड करेगा? उस बिजनेस के नेचर और साइज पे निर्भर करेगा। और प्रोफेशन में आपको कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी? लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड कैपिटल की ही ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? आपको जो आप प्रोफेशन के लिए आप ट्रेनिंग या फिर सर्टिफिकेट्स या फिर एजुकेशन या उसमें एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए एक लिमिटेड कैपिटल ही आपको देना होगा। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिमिटेड, आपको पता होगा, एक फिक्स ट्रेनिंग चार्जेस होंगे, वो आपको पे करने होंगे। या तो आप जो एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं उसके लिए एक फिक्स अमाउंट होगा, आपको एक आइडिया होगा कि हाँ हमको इतना पैसा इस चीज़ में, इस प्रोफेशन में जाने पे लगेगा। तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एज अ एम्प्लॉय कहीं अपॉइंट होना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपका था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रिस्क कितना होता है बिजनेस में? प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंटेड। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, रिस्क हर जगह प्रेजेंट होता है। अगर आप बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं, अगर मैं सेलर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी रिस्क होगा। मैं गोडाउन में प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, अगर वहाँ पे कभी आग लग जाती है या तो उन्हें कोई चोरी कर लेता है, या तो मैं किसी को कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और मैं डिस्पैच कराती हूँ और डिलीवर होने से पहले रास्ते में वो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका लॉस भी मुझे बियर करना पड़ेगा। या तो अगर कोई क्लाइमेट चेंज या पैंडमिक के वजह से पैंडमिक हो जाता है, तो उसका भी असर कहाँ होगा? मेरे बिजनेस पे पड़ेगा। तो बिजनेस में हर जगह रिस्क क्या है? प्रेजेंट होता है। प्रॉफिट यहाँ पे सर्टेन नहीं होता है, यहाँ हमेशा प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है कि हाँ आपको एक टाइम पे, इतने टाइम पे, या वन ईयर में आपको इतना प्रॉफिट होगा, वन मंथ में इतना प्रॉफिट होगा, या आपकी इतनी सेल होगी, ये कंफर्म नहीं होता है। बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ अगर प्रोफेशन की बात करें, फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। यहाँ पे जो प्रोफेशनल फीस होती हैं, आपसे चार्ज की जाती हैं, वो जनरली क्या होती है? फिक्स्ड होती है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको पता रहता है कि हाँ इस डॉक्टर की फीस 500 है,
कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसको 500 पे करना होगा, या लॉयर की फीस इतनी है, या आप किसी सीए को अपने कंपनी में बुलाते हैं या सीएस को, तो उसको इतना फी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, फीस आपका सर्टेन होता है और रेगुलर होता है। यहाँ पे फिर थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा रिस्क होता है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क, यहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं होता है या तो हल्का सा रिस्क हो सकता है। अब रिस्क यहाँ पे कैसे हो सकता है, जैसे कि कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, तो उसमें क्या हुआ था, बिजनेसेस बंद हो गए थे, हर पूरी कंट्री, अपनी कंट्री इंडिया ही नहीं, अदर फॉरेन कंट्रीज भी इससे बहुत अफेक्ट हुई थी, ग्लोबल इकोनॉमी पे इस पर बहुत फर्क पड़ा था, ठीक है। तो ऐसा कोई पैंडेमिक आ गया तो उसमें क्या हुआ था, आप देख रहे थे कि लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा था या तो उनको सैलरी नहीं पे की जा रही थी। तो रिस्क हर जगह होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम होता है, रेयरली होता है या तो नहीं होता है। प्रोफेशन में हल्का सा थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ होता है, बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। बिजनेस में ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके हम अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और प्रोफेशन में ऐसा नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं है। बस बिजनेस में ही हम क्या कर सकते हैं, अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट देखें, यहाँ पे नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। आपका खुद का बिजनेस है, वहाँ पे आप अपने मर्जी जो चाहेंगे वो करेंगे, किसी को फॉलो करने का कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस तरीके से चाहें अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, आपको प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना रहता है, जो प्रोफेशनल बॉडी द्वारा बनाया गया है वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको प्रोफेशनल में फॉलो करना होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। आपकी कंपनी जिसमें आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूट या फर्म है वहाँ पे आप एज ए एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं, वह उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स बनाए गए हैं प्रोफेशन में फॉलो करने होते हैं, और आपकी जो इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी है, फर्म है, उसके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हम किसको बिजनेस कह सकते हैं, किसे प्रोफेशन कह सकते हैं और किसे एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो आपकी अगर कोई शॉप है या फैक्ट्री है तो हम कह सकते हैं कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, और आप कोई लीगल जैसे कि लॉयर हैं या मेडिकल प्रोफेशन, आप डॉक्टर हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, सीएस हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट किसे कह सकते हैं, अगर आप बैंक में एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी में आप एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जैसे पुलिस हैं या एसआई हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉई परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंस कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस किस लिए हम करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं, हमारा एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और हम क्या करते हैं बिजनेस में, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, हम अगर परचेज का काम कर रहे हैं, परचेज का काम कर रहे हैं किस लिए, सेलिंग के लिए, ठीक है, उसको सेल करने के लिए, या हम खुद उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में या तो आप डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बायर को सेल कर सकते हैं,
या तो या कस्टमर को सेल कर सकते हैं, या तो आप किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेस करके कस्टमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या तो एज अ इंटरमीडियरीज जैसे कि होलसेलर काम करते थे कि वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेस करते थे और कस्टमर को क्या करते थे, सेल करते थे। तो आप या तो खुद मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं, या तो आप किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्शन जो इंस्टीट्यूट है, फॉर्म है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परचेस करके उस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैं, गुड्स और सर्विसेज। आप क्या करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं और एक्सचेंज का काम करते हैं गुड्स और सर्विस के, ठीक है। गुड्स और सर्विस को आप सेलिंग और एक्सचेंज का काम करते हैं, किसमें, बिजनेस में। और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप वन टाइम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई डील करते हैं, तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। आपको बिजनेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे बाइंग सेलिंग और प्रोडक्शन करके सेल करने का काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और क्या है, अनसर्टेन ऑफ रिटर्न। इसमें रिटर्न आपका फिक्स नहीं होता है, इसमें आपको कोई गारंटी नहीं रहती है कि हाँ आप इतना अगर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना रिटर्न होगा। यहाँ पे हमेशा जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन होता है, हमेशा बिजनेस रिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मार्केट में नोकिया, नोकिया का एग्जाम्पल लेते हैं हम। नोकिया क्यों मार्केट से बाहर हो गया है, क्योंकि वो मार्केट में कंपटीशन को एनालाइज नहीं कर पाया, कस्टमर नीड्स को एनालाइज नहीं कर पाया, और वो डेवलपमेंट का काम, अपना इनोवेशन का काम नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या हुआ, मार्केट से बाहर हो गया। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट आपका सर्टेन नहीं होता है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं होता है। और आपको बिजनेस करना है तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप वन टाइम करते हैं, बाइंग सेलिंग का काम, अगर आप वन टाइम बाइंग सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए आपको उस चीज़ में रेगुलर होना ज़रूरी है। और क्या होना चाहिए, सेल और एक्सचेंज का काम होना चाहिए। या आप कहीं से परचेस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसके पीछे आपको क्या मोटिव होना चाहिए कि आप उसको रीसेल करें, रीसेलिंग का काम होता है, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अर्न करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिस आइए डिटेल में इन्हें पढ़ते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का काम और प्रोक्योरमेंट का कौन काम गुड्स और सर्विसेज के, तो इसमें पहला क्या है, इंटरप्राइजेस इधर मैन्युफैक्चरर द गुड्स इट डील इन और एक्वायर देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर्स, ठीक है। या तो वो उसे खुद मैन्युफैक्चर करे, खुद उसे प्रोड्यूस करे, खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, रॉ मटेरियल लेके हम कहीं फिनिश्ड गुड्स में से कन्वर्ट करके उसे खुद प्रोड्यूस करके उसको सेलिंग का काम करे, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसे हम मैन्युफैक्चरर से एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, फिर हम उसे क्या करेंगे, कंज्यूमर और यूज़र को, जो उसके यूज़र्स हैं उसको क्या करें, सेल कर सकें। या तो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, और उसको सेल कर देंगे, या तो हम उसे परचेस करेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, रीसेल करेंगे, ठीक, उसको रीसेलिंग का काम करेंगे। तो ये हो सकता है। और दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट, गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमरेबल आइटम ऑफ ऑफ डेली यूज और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, या तो डेली कंज्यूम करने वाले गुड्स भी हो सकते हैं। और सर्विस में क्या होता है, सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर टू कंज्यूमर्स बिजनेस फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सर्विस में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, और वही गुड्स क्या होते हैं, गुड्स का नेचर क्या होता है, टेंजिबल होता है, ठीक है। गुड्स का नेचर टेंजिबल होता है और सर्विस इनटेंजिबल होती है, कैसे
कैसे? अगर आप मान लीजिए ये कोई बुक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे क्या बोलूंगी, ये अगर मैं इसे सेल करूंगी तो आप क्या कहेंगे कि मैं आपको सर्विस सेल कर रही हूँ या प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ? आप कहेंगे कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट कैसे पहचाने कि ये प्रोडक्ट है, क्योंकि ये टेंजिबल नेचर का है। इस बुक को मैं क्या कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, है ना। और ये प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हैं, या ये कैपिटल गुड्स है, आप इसे मतलब अपने यूज में ला सकते हैं, या तो कंज्यूमरेबल गुड्स, या कोई खाने की चीजें मैं सेल कर रही हूँ तो उसे आप क्या करें, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमरेबल गुड्स है, लेकिन ये क्या है, गुड्स है। और वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, तो क्या आप जैसे स्कूल में जाते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं उस सर्विस के लिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए, सर्विस के लिए। आपको कैसे पता चला वो सर्विस है? क्या आप जब आएंगे घर पे तो आपको टीचर पढ़ाया रहता है, तो कुछ आप लेके आते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैंने अगर स्कूल में इस चीज़ के लिए फीस पे की है, तो आप दिखा तो सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, बुक को तो टच कर सकते हैं, लोगों को शो कर सकते हैं, बट जो सर्विस है आप उसे टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका नेचर क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। सर्विस का नेचर इनटेंजिबल होता है, आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन फील इट। ओके, तो सर्विस में आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड जो किया जाता है उसमें फैसिलिटीज दी जाती है, जिससे आप टच नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन फील। उसके लिए आप क्या करते हैं, पे करते हैं। तो बिजनेस में सर्विस और गुड्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, या उनको सेल किया जाता है, या तो आप प्रोडक्शन का काम करके भी उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, या तो कहीं और से बाई करके उसको रीसेल कर सकते हैं। तो ये सब आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में। सेकंड पॉइंट क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू। किसी वैल्यू के थ्रू आप क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं। अगर मैं ये बुक आपको सेल कर रही हूँ, तो इसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो मुझे, मैं क्या लूँगी, मैं आपको अगर ये बुक सेल कर रही हूँ तो उसके बदले मैं आपसे कुछ मनी चार्ज करूँगी, कुछ पैसे लूँगी, कुछ अमाउंट लूँगी, सर्टेन सम ऑफ मनी, और मैं आपको ये बुक हैंड ओवर कर दूंगी, तो इसकी ओनरशिप आपके पास चली जाएगी। मेरे पास क्या आएंगे, मेरे पास मनी आएगी, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू के लिए गुड्स और सर्विस क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, या उसका एक्सचेंज कर रही हूँ। एक्सचेंज करना क्या हुआ कि आपको मैं कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ और उसके बदले मुझे भी कुछ मिलना है, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं क्या बोलते, ट्रांसफर करना, कि मैं आपको कुछ दे रही हूँ उसके बदले मुझे भी कुछ मिल रहा है, कंसिड्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस का कंसिड्रेशन होता है, जिसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। अगर आप घर पे अपने खाना बना रहे हैं तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू द अदर्स इन रेस्टोरेंट इज बिजनेस। बट आप खाना बना रहे हैं और दूसरों को सेल कर रहे हैं, उसके बदले आप मनी चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं और उसे सेल करते हैं, उसके बदले मनी चार्ज करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बट अपने फैमिली में आप रेगुलर बेसिस पे अगर खाना बना रहे हैं, बट उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, जो आप लव एफेक्शन के लिए करते हैं, आप उसे क्या बिजनेस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रेगुलर बेसिस पे होना जरूरी है। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वन सिंगल ट्रांजेक्शन और सेल परचेस देयरफॉर डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। सिंगल ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं, ठीक। अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना हमारा मेन मोटिव होता है, अल्टीमेट मोटिव बिजनेस करने का क्या होता है, कि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें,
अपने लिए। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रन कराना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप लगातार लॉस फेस कर रहे हैं तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा। किसी भी बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। That is why businessmen make all possible efforts to maximize profit. इसीलिए सभी businessmen का main motive क्या होता है कि हम अपने profit को क्या करें, maximize कर सकें by increasing the volume of sale or reducing cost. हम कैसे अपने सेल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या तो हम सेल को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, या तो हम अपने कॉस्ट को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। कॉस्ट, अब हम देखते हैं कि हम अपने सेल को इंक्रीज करके प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कॉस्ट को रिड्यूस करके हम कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब हम देखेंगे अगर हम सेल अपनी इंक्रीज कर दें तो हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि दो सेलर हैं, ठीक है, दो सेलर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक पेन सेल करते हैं, पेन सेल करते हैं जिसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ उसको सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट है। इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है आपका, 8 रुपये लग रहा है, लेकिन आप उसे सेल कितने पे कर रहे हैं, 10 रुपीज़ में। ये भी 10 रुपीज़ में सेल करते हैं, ये भी 10 रुपीज़ में सेल करते हैं। पर मंथ इन लोग की सेल कितनी हो रही है, 100 हो रही है। ये भी 100 यूनिट सेल करते हैं पेन की, और ये भी 100 यूनिट करते हैं। इन लोगों का प्रॉफिट क्या है, 8 रुपये की पेन है, 10 रुपये की इन लोग सेल कर रहे हैं, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो 100 × 2 कितना प्रॉफिट हो रहा है अभी दोनों को, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20 लिखा गया, 100 × 2 तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है इनको भी और इनको भी। अब मिस्टर ए क्या करते हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस कर दी, 10 रुपये की जगह ये 9 रुपीज़ का सेल करने लग गए। अब ये सेम प्रोडक्ट को जो ये 10 रुपीज़ का दोनों सेल कर रहे थे, अब मिस्टर ए क्या करते हैं, उसको 9 में सेल करते हैं। अब इनकी सेल इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ कहीं से चीप प्राइस पे सस्ते में मिलेगी सेम प्रोडक्ट, और कहीं महंगे मिलेगी तो आप सस्ते में लेना चाहेंगे। तो अब कस्टमर्स क्या हुए, मिस्टर ए के पास जाने लगे, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट वहाँ पे लो प्राइस पे मिल रहा था। तो अब इनकी सेल जो होती थी मंथली 100, अब इनकी सेल इंक्रीज होके हो गई 500। इनकी मंथली सेल कितनी हो गई पेन की, 500 हो गई। और ये जो सेल करते थे 100 यूनिट्स पर मंथ, इनकी सेल रिड्यूस हो गई, क्योंकि ये क्या करते थे, ये 10 रुपीज़ में ही सेल कर रहे हैं, और ये 9 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। अब मिस्टर ए ने प्राइस रिड्यूस कर दिया, मिस्टर ए ने बी ने नहीं की हुई है, तो इनकी सेल जो 100 होती थी वो 80 हो गई। ठीक, तो अब इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब इनको जो होता था प्रॉफिट 200 कितने पे, मंथली इनका प्रॉफिट कितना था 200, अब ये 500 यूनिट सेल कर रहे हैं जिसमें ये 9 रुपीज़ का कर रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपीज़ का। तो 1 रुपीज़ का अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो मंथली प्रॉफिट इनका कितना हुआ, 500। पहले कितना होता था 200, अब कितना हो रहा है, 500। तो इस तरीके से इनकी प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। इन्होंने क्या किया कि सेलिंग को अपनी इंक्रीज कर दिया, सेल को इंक्रीज कर दिया, तो इनका प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और इन्होंने सेल को इंक्रीज नहीं किया तो इनका प्रॉफिट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, या फिर उतना ही रहा, या तो सेम हो सकता है या तो वो हो सकता है। तो या तो आप अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दीजिए, या तो अपने सेल को इंक्रीज कर दीजिए। ये दो मेथड्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक, या तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर सकते हैं,
कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या तो अपने सेल्स को इंक्रीज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसमें क्या है, लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग, हम अनसर्टेनिटी में क्या देखते हैं, लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता है कि बिजनेस एक टाइम पीरियड बाद कितनी प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको लॉस हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपको इस चीज़ से प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। रिस्क हमेशा बिजनेस में हर जगह प्रेजेंट होता है। Despite the best effort put into the business, आप बिजनेस में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितना भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर ऑफ लॉस, इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल डिज़ायरेबल इवेंट्स। कोई अगर जैसे कि कोविड आ गया था, उस टाइम बिजनेसेस को बहुत लॉस फेस करना पड़ा, तो कोई ऐसे कोई इवेंट्स जो हो जाता है, निगेटिव इवेंट्स या फिर अनफेवरेबल इवेंट्स हो गए, तो उसकी वजह से बिजनेस को क्या है, लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे का। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कि हमारे यहाँ कितने ट्रेड सेंटर्स हैं, बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोगों ने बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, उनके बीच क्या डिफरेंस है ये पढ़ा, और इस डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हम लोगों ने बिजनेस के बारे में। तो हम लोगों ने आज बिजनेस के बारे में डिटेल नॉलेज ली हुई है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। Mm-hmm.